Galileo Galilei, a teacher of mathematics at Padua, sets out to prove Copernicus' new cosmogony. Galileo Galilei, टीचर जो कि मैथमेटिक्स का टीचर है, पाडवा जगह का नाम है, वहाँ पर बैठा हुआ है, वो प्रूव करना चाह रहा है कॉपरनिकस की न्यू कायनात के इलम को, कॉस्मोगोनी यानी कायनात के इलम को. इन द ईयर 1609 साइंस इज लाइट बिगिन टू शाइन. 1609 की ईयर्स में साइंस की लाइट जो है वो चमकना शुरू हुई है. एट पाडवा सिटी इन अ मॉडेस्ट हाउस, पाडवा के शहर में एक छोटे से घर में गैलीलियो गैलीली इन सेट आउट टू प्रूव. गैलीलियो गैलीली बैठा हुआ है ये प्रूव करने के लिए, द सन इज स्टिल द अर्थ इज ऑन द मूव, कि सूरज जो है वो अपनी जगह पर रुका हुआ है, साकित है, और अर्थ जो है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है. गैलीलियोज रैदर रश टू स्टडी इन पाडवा, इट इज रनिंग अ बॉय एंड्रिया द हाउस कीपर सन ब्रिंग इन अ ग्लास ऑफ अ मिल्क एंड रोल. गैलीलियो गैलीली अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ पाडवा के शहर में, और सुबह का टाइम है, और एंड्रिया जो कि उसके घर के नौकरानी का बच्चा है वो दूध का गिलास लेकर आया है. गैलीलियो वॉशिंग डाउन टू द वेस्ट पफिंग एंड चीयरफुल, वॉश गैलीलियो जो है अपने आप को धो रहा है या अपनी कमर को धो रहा है और आवाज़ें निकाल रहा है और बहुत खुश है. बट द मिल्क ऑन द टेबल, पर दूध जो है वो टेबल के ऊपर है. एंड डोंट यू शट एनी ऑफ दोज बुक्स, और वो ये उसको हुक्म दे रहा है या कह रहा है एंड्रिया को कि कोई किताब बंद मत करना. एंड्रिया, मदर सेज वी मस्ट पे द मिल्क मैन, माँ ने कहा है कि हम मिल्क मैन को पे करना है, हमें ज़रूरी पे करना है. और ही विल स्टार्ट मेकिंग अ सर्कल अराउंड आवर हाउस मिस्टर गैलीली. अब वो यहाँ पे हंसते हुए कहता है क्योंकि वो स्टडी कर रहा है, सन के इर्द गिर्द अर्थ चक्कर लगाती है, तो एंड्रिया उससे जो है रिलेट करते हुए ये कह रहा है कि अगर हमने दूध वाले के पैसे ना दिए तो मुमकिन है कि वो हमारे घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दी. गैलीलियो डिस्क्राइबिंग अ सर्कल, यू मीन एंड्रिया, उसने कहा सर्कल. तो वो हंसते हुए उसने एंड्रिया को उससे कहा कि तुम्हारा ये मतलब है. एंड्रियो, विच यू लाइक, आप जो भी समझें, इफ़ यू डोंट पे द बिल ही विल स्टार्ट डिस्क्राइबिंग अ सर्कल अराउंड अस मिस्टर गैलीली, उसने कहा कि अगर हमने उसके दूध के पैसे ना दिए या हमने उसका बिल अदा ना किया तो वो जो सर्कल लगाएगा वो हमें ज़रूर पता चल जाएगा. ठीक है, वेयर एज वेन मिस्टर कैम्बियन द बेल इफ कम्स स्ट्रेट फॉर अस, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द गोइंग टू पिक. यहाँ तक कि मिस्टर कैम्बियन जो कोर्टमैन है वो सीधा आएगा और वो फिर बताएगा तुम्हारे और उसके दरमियान में जो है या जो पैसे लेने के दरमियान जो फासला है वो कितना है. ग्रीनिंग द शॉर्टेस्ट, हंसते हुए, छोटा सा है. राइट, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है. लुक बिहाइंड द स्टार चार्ट, पीछे देखो ये स्टार का जो चार्ट है वो. एंड्रिया रूमेज बिहाइंड द स्टार चार्ट एंड ब्रिंग आउट अ बिग वुडन मॉडल ऑफ द टॉलमिक सिस्टम. एंड्रिया जो है वो स्टार्स के चार्ट के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाता है और फिर वो बताता है कि एक वुडन वो जो है वो लेके आता है, वुडन मॉडल लेकर आता है टॉलमिक सिस्टम का. उसके बारे में पूछता है व्हाट इज इट. गैलीलियो, दैट्स एन आर्मिलरी स्फीयर, ये एक शक्ल है जो कि उसकी स्फीयर की, एक सर्कल की या हमारे स्काई की, कायनात की. इट इज़ अ कॉन्ट्रसेप्शन टू शो हाउ द प्लैनेट मूव अराउंड द अर्थ अकॉर्डिंग टू आवर फोर फादर्स. उसने कहा ये हमारे फोर फादर्स के वक्त के मुताबिक जो अर्थ के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं ये उससे मिलता जुलता एक ज़मीन का या कायनात का नक्शा है. एंड्रिया, हाउ. गैलीलियो, लेट्स एग्जामिन इट, स्टार्ट एट द बिगनिंग डिस्क्रिप्शन. उसने कहा चलें अब इसका जो है हम इसको एग्जामिन करते हैं और इस पे जो है तबसरा करते हैं. एंड्रिया, इन द मिडल देयर इज स्मॉल स्टोन, और इनके दरमियान में ये जो पत्थर है छोटा सा, ये क्या है. गैलीलियो, दैट्स द अर्थ, ये ज़मीन है. एंड्रिया, राउंड इट देयर आर रिंग्स, वन
इनसाइड अनदर। एंड्रिया ने कहा, इसके इर्द गिर्द तो बहुत सारे रिंग्स हैं जो कि एक दूसरे में जो है जा रहे हैं। गैलीलियो, हाउ मैनी? एंड्रिया, एट। गैलीलियो, दैट्स द क्रिस्टल स्फीयर, ये एक क्रिस्टल या फिर शफाफ स्फीयर है। एंड्रिया स्टक टू द रिंग्स आर लिटिल बॉल्स, उसने कहा ये जो रिंग्स हैं उसके छोटे छोटे बॉल्स भी लगे हुए हैं। गैलीलियो, द स्टार्स, ये स्टार हैं। एंड्रिया, देन देयर आर बैंड्स विद द वर्ड्स पेंटेड ऑन देम, और अब इनके ऊपर जो है बैंड भी लिखे हुए हैं, ये छोटे छोटे बैंड्स हैं कि ये क्या चीज़ है। गैलीलियो, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स? एंड्रिया, नेम ऑफ स्टार। गैलीलियो, सच एज? एंड्रिया, द लोएस्ट बॉल इज द मून, इट सेज अबव दैट द सन, उसने कहा कि सबसे छोटा जो बॉल है वो सूर्य चांद है और उसके ऊपर उन्होंने सन बना दिया है। गैलीलियो, नाउ स्टार द सन मूविंग, उसने कहा अब सूरज को जो है घुमा दो। एंड्रिया, मूव्स द रिंग, दैट्स ग्रेट बट वी आर सो शट इन, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हम ये जो है क्या है, उसने रिंग को हिलाया और उसने कहा पर हम तो जो हैं बड़े कंजर्वेटिव सी हैं, हम तो बड़े बंद हैं। गैलीलियो, ड्राइंग हिमसेल्फ, अब वो बाहर आ गया नहा के और अपने आप को ड्राई कर रहा है टावल से, और उसने क्या कहा है, यस आई फेल्ट दैट फर्स्ट टाइम आई सॉ वन ऑफ दोज, उसने कहा मैंने भी यही महसूस किया था पहली दफ़ा जब मैंने इसे देखा था। वी आर नॉट द ओनली वन टू फील इट, हम ही नहीं हैं सिर्फ जो एक यही महसूस कर रहे हैं। ही टॉसेस द टॉवल टू एंड्रिया फॉर हिम टू ड्राई हिज बैक विद, उसने टॉवल को जो है एंड्रिया की तरफ फेंका है और उसे कहा है कि मेरी बैग को खुश करो। वॉल्स एंड स्फीयर्स एंड इमोबिलिटीज, उसने कहा ये दीवारें, ये सर्कल, ये सब जो हैं हरकत नहीं कर रहे। फॉर 2000 ईयर्स पीपल हैव बिलीव दैट द सन एंड ऑल द स्टार ऑफ द हेवन रोटेट अराउंड मैनकाइंड, उसने कहा 2000 साल से लोग जो है इस चीज़ पर यकीन कर रहे हैं कि हेवन के इर्द गिर्द जो है सन लगा रहा है चक्कर। पॉप, कार्डिनल्स, प्रिंसेस, प्रोफेसर्स, कैप्टन्स, मर्चेंट, फिश वाइफ्स एंड स्कूल किड्स थॉट दे आर सिटिंग मोशनलेस इनसाइड द सर्कल्स फेयर, उसने कहा ये सारे लोग जिन जिनका उसने नाम लिया, उसने पॉप, कार्डिनल्स, प्रिंसेस, प्रोफेसर्स, ने कहा ये सब जो हैं इवन के स्कूल किड्स भी जो हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि हम इस क्रिस्टल स्फीयर के अंदर बैठे हुए हैं। बट नाउ वी आर ब्रेकिंग आउट ऑफ इट, लेकिन अब जो है हम इससे बाहर आ रहे हैं। एंड्रिया एट फुल स्पीड, एंड्रिया बड़ी स्पीड से, बिकॉज द ओल्ड डेज आर ओवर एंड दिस इज अ न्यू टाइम, इसने क्या कहा है कि ये पुराने दिन जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और नया वक्त आ गया। फॉर द लास्ट 100 ईयर्स मैनकाइंड हैज सीम टू बी एक्सपेक्टिंग समथिंग, उसने बड़े पिछले सालों कई सालों से जो है मैनकाइंड जो है वो कुछ और देखना चाह रही है, ये कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है। आवर सिटीज़ आर क्रैम्ड, हमारे जो शहर हैं वो दर्द में है। एंड सो आर मैंस माइंड, और आदमियों के ये लोगों के दिमागों में है सुपरस्टिशन एंड प्लेग, उनके दिमागों में एक वहम तोहम परस्ती और उनके दिमाग में जो है प्लेग लगा हुआ है। बट नाउ द वर्ड्स दैट्स हाउ थिंग्स आर बट दे वोंट स्टे लाइक दैट, उसने कहा पहले जो चीज़ें चल रही थी वो वैसी की वैसी हैं पर अब ऐसा नहीं रहेगा। बिकॉज एवरी थिंग इज़ इन मोशन माई फ्रेंड, क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो मोशन में है मेरे दोस्त। आई लाइक टू थिंक दैट इट बिगेन्स विद द शिप्स, उसने कहा मुझे ऐसे लगता है कि ये स्टार्ट हुआ था शिप्स की वजह से। एज फार एज मैन कुड रिमेंबर दे हैड ऑलवेज हग द कोस्ट, उसने कहा जैसे कि मुझे जितना कि मुझे याद है आदमी ने हमेशा जो है कोस्ट की तरफ देखा है। देन सडनली दे अबंडेंड द कोस्ट लाइन एंड वेंचर्ड आउट क्रॉस द सीज, उसने कहा फिर लोगों ने जो है इस कोस्ट को जो है तोड़ा है इस लाइन को और वो इससे हट कर जो है सीज में नहीं जा पा रहे हैं। ऑन आवर ओल्ड कॉन्टिनेंट ए रूमर स्प्रैंग अप, हमारे पुराने कॉन्टिनेंट में ये एक रूमर जो है फैली थी, देयर माइट बी अ न्यू वंस, कि वहाँ पे कुछ नया भी है। एंड सिंस आवर शिप्स बिगिन सेलिंग टू देम द लविंग कॉन्टिनेंट हैव गॉट द मैसेज, क्योंकि हमारी शिप्स जो हैं अब
वो जो काफ़ी सालों से रुकी हुई थी अब वो जो है चलना शुरू हो गई हैं, ठीक है, और कॉन्टिनेंट उन पर हंसना शुरू हो गए हैं, और एक उन्हें मैसेज मिला है, द ग्रेट ओशन द फियर, ये जो ओशन है जिससे ये बड़ा डरते हैं, इज़ अ लिटिल पडल, ये एक छोटा सा टब है उनके लिए, एंड अ वास्ट डिज़ायर हैज़ स्प्रंग अपॉन टू नो द रीज़न फॉर एवरीथिंग, और ये एक बड़े ही पुरजोश और बड़ा जो है रीज़न उन्हें मिल गया है, उनके ऊपर आ गया है कि हर चीज़ को जाने, वाई अ स्टोन फॉल्स, क्यों एक पत्थर नीचे गिर जाता है, वेन यू लेट इट गो, जब तुम उसे छोड़ते हो, एंड वाई इट राइजेज वेन यू टॉस इट अप, वो ऊपर क्यों चला जाता है जब आप उसको ऊपर की तरफ टॉस करते हो, ईच डे समथिंग फ्रेश इज डिस्कवर्ड, हर एक दिन जो है एक समथिंग कुछ नया ही जो है रिफ्रेश डिस्कवर होता है, मैन ऑफ हंड्रेड हंड्रेड इवन आर गेटिंग द यंग पीपल टू बॉल द लेटेस्ट एग्जाम्पल इन टू देयर ईयर, उसने कहा अब जो ये मैन ऑफ 100 इवन, उसने कहा एक 100 साल का आदमी जो है वो यंग पीपल जो बच्चे हैं उनसे अपनी जो है मिसाल लेता है या उनका मशवरा लेता है, बट देयर इज स्टिल प्लेंटी टू बी फाउंड, लेकिन नहीं, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज, इसकी वजह से बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, बट देयर इज स्टिल प्लेंटी टू बी फाउंड, लेकिन इसके अलावा जो है अभी भी जो है बहुत कुछ जो है हमें फाउंड करने को है, सो फ्यूचर जनरेशन शुड हैव इनफ टू डू, उसने कहा तो फिर नई आने वाली जनरेशन जो है उनके पास बड़ा कुछ है करने को, एज अ यंग मैन इन सीना आई वॉच्ड अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स आर्ग्यू फॉर 5 मिनट्स, उसने कहा मैंने देखा है एक यंग आदमी सीना में जो कि बिल्डिंग वर्कर्स के साथ जो है 5 मिनट से जो है गुफ्तगू करता रहा, देन अबेंडन अ 1000-year-old मेथड ऑफ शिफ्टेड ग्रेनाइट ब्लॉक्स इन फेवर ऑफ न्यू एंड मोर एफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ द रोप्स, उसने कहा वो काफ़ी देर जब बहस करता रहा तो उसने जो कई हज़ार साल पहले से ग्रेनाइट उठाने का जो ग्रेनाइट के जो ब्लॉक होते हैं या सीमेंट के ये जो ब्लॉक होते हैं उनको उठाने का तरीका ही उसने चेंज कर दिया, जो कई सालों से चला रहा था उसको उसने चेंज कर दिया क्योंकि रस्सियों से उसने पकड़ के उसको घसीटना शुरू कर दिया, देन एंड देयर आई नो, और वहाँ तक जबकि मुझे जहाँ तक कि मुझे पता चला द ओल्ड डेज आर ओवर एंड दिस इज़ न्यू टाइम, कि पुराने दिन अब ख़त्म हो गए हैं और नए दिन आने वाले हैं, सून ह्यूमनिटी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स अबाउट, और अब जो है जल्द ही सारी दुनिया को पता चलने वाला है कि यहाँ पर हदें ख़त्म है, द हेवनली बॉडी ऑन विच इट डिवेल्स, के ये जो कायनात में जो जो हमारी बॉडी है ऑन विच इट डिवेल्स, जिस पे हम जो हैं घूम रहे हैं, वट इज़ रिटन इन द ओल्ड बुक इज़ नो लॉन्गर गुड इनफ, कि अब जो पुरानी किताबों में लिखा हुआ है वो हमारे लिए जो है वो इनफ नहीं है, वो काफ़ी नहीं है, फॉर वेयर फेथ हैज़ बीन एन थ्रोन्ड फॉर 1000 ईयर, जहाँ पर यकीन जो है कई सालों से किया जा रहा था, डाउट नाउ साइड्स, अब वहाँ पर जो है डाउट ने या शक ने जो है अपने कदम जमा लिए, एवरीवन सेज, हर कोई कहता है राइट दैट्स व्हाट इट सेज इन द बुक, हर कोई बिल्कुल उसी तरह ही कहता है जैसे कि किताबों में लिखा है, बट लेट्स हैव अ लुक फॉर आवर सेल्फ, पर अब हमें जो है अपने आप भी खुद देखना चाहिए, दैट मोस्ट सॉलम ट्रूथ्स आर बीइंग फेमिलियर नज्ड द मो, कि अब जो जितने भी ठोस किस्म के सच हैं या जो कई सालों से हमारे सामने पेश किए जाते हैं अब तो वो भी डगमगाने लग गए हैं, वट वॉज नेवर डाउटेड बिफोर इज डाउटेड नो, वो सारी चीज़ें जो पहले कभी शक में नहीं हैं अब सारी शक के नीचे हैं, दिस हैज़ क्रिएटेड अ ड्राउट, इसकी वजह से जो है एक सहारा पैदा हो गया है विच इज़ ब्लोइंग अप द गोल्ड एम्ब्रॉयडरी स्कर्ट ऑफ अ prelates and princes revealing the fat and skinny legs underneath, उसने कहा अभी इसकी वजह से इस सहरा एक ऐसा सहरा पैदा हो गया जिसकी वजह से ऐसी हवा चली है जिनकी वजह से जब उनकी स्कर्ट्स ऊपर उठती हैं प्रिंसेस की या बड़े मोहतबर लोगों की तो हमें जो है उनके नीचे से टांगे जो कि मोटी या स्किनी हो सकती हैं वो नज़र आने लग जाती हैं, लेग्स लाइक आवर ओन, और उनकी टांगे भी हमारे जैसी हैं, ये बात उसने इसलिए की है क्योंकि पोप को
प्रिंसेस को बड़ा मोहतबिस समझा जाता है। तो यहाँ पे उसने रिलेट किया है अपने आप को लोगों से, सिंबलिज्म इख्तियार की है कि हम भी उन्हीं के जैसे हैं। ठीक है, द हेवन इट टर्न्स आउट आर एम्प्टी, उसने कहा ये जो जन्नत है, यस जन्नत का जो नज़रिया है वो खाली पीली है। चीयरफुल लाफ्टर इज़ आवर रिस्पॉन्स, और अब हमें जो है खुशी से इसको कबूल करना चाहिए। बट द वाटर ऑफ द अर्थ ड्राइव द न्यू स्पिनिंग मशीन्स, अब जो पानी का जो ज़मीन का जो पानी है, अब तो उससे भी जो है उसे भी निकालने के लिए जो है मशीनें बन गई हैं। वाइल इन द शिप यार्ड, जबकि जो शिप यार्ड हैं हमारे, द रो वॉक्स एंड सेल लॉफ्ट 500 हैंड्स आर मूविंग टुगेदर इन ए न्यू सिस्टम, उसने कहा। और अब जो ये शिप यार्ड हैं वो रस्सियों से बन चुकी हुई हैं, और इन रस्सियों की वजह से वो कई हज़ार दूर तक जा सकता है, और हमारा न्यू सिस्टम जो है अब वो मूव करने लग गया है। यानी यहाँ पे भी उसने एक सिंबलिज्म यहाँ पे इख्तियार किया है कि पहले जो रुका हुआ सिस्टम था, अब वो जो है रस्सियों की मदद से हमारा बड़े आगे की तरफ जो है मूव करने लग गया, कि शिप यार्ड भी जो है मूव करने लग गई हैं, पानी निकालने के लिए भी मशीनें बन गई हैं। इट इज़ माई, सो हम इसको जो है अपनी साइंस के कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ कर सकती हैं कि उसने इस चीज़ को मेंशन किया है कि मशीनें जो हैं हमने अब बना ली हैं पानी निकालने वाली, और शिपयार्ड के लिए रोप्स भी आ गई हैं जो उनको आगे कई हज़ारों मीटर तक ले जाती हैं और उसको वापस भी लेकर आती हैं। मींस जो है कि अब हम चेंज हो रहे हैं, जबकि उसने रिलीजन को यहीं पर ही मेंशन किया है कि रिलीजन काफ़ी ईयर से स्टक है, अब जो है वो भी नोज होने लग गया है, वो भी जो है वहाँ पे नोज्ड हुआ है और इसमें डाउट्स आए हैं और वो क्लियर होने लग गए हैं। इट इज़ माय प्रोफेसी, ये मेरी जो है पेशीन गोई है, दैट आवर ओन लाइफ टाइम विल सी एस्ट्रोनॉमी बिगिन डिस्कस्ड इन द मार्केट प्लेस, उसने कहा ये मेरी पेशीन गोई है कि मेरी ही ज़िंदगी में जो एस्ट्रोनॉमी है वो एक आम मार्केट की सतह पर जो है डिस्कशन होने लग जाएगी। इवन द फिश वाइफ्स सन विल हैसन ऑफ टू स्कूल, उसने कहा इवन की जो मछली बेचने वाली जो औरत है उसका बेटा भी जो है स्कूल की तरफ दौड़ेगा, ये जल्दी करेगा। फॉर दीज नॉवेलिटी सीकिंग पीपल इन आवर सिटीज विल बी डिलाइटेड विद न्यू एस्ट्रोनॉमी, उसने कहा ये जो हमारे शहर में जो नॉवेलिटी सीकिंग यानी नई होप ढूंढने वाले जो हैं या हैप्पीनेस ढूंढने वाले जो लोग होते हैं वो भी जो है एस्ट्रोनॉमी की तरफ दौड़ेंगे। कि खुशियाँ ढूंढने वाले लोग भी जो हैं अब वो बड़ी खुशी से एस्ट्रोनॉमी की तरफ देखेंगे। दैट सेट्स द अर्थ मूविंग टू, जिसकी वजह से पता चलेगा कि ज़मीन वाकई घूम रही है। द ओल्ड आइडिया वाज ऑलवेज दैट द स्टार वर फिक्स्ड टू क्रिस्टल वॉलेट टू स्टॉप देम फॉलिंग डाउन, उसने का पुराना आइडिया था कि ये सब समझते हैं कि स्टार जो हैं किसी चीज़ से जो है अपने जो है क्रिस्टल फायर में जो है वहाँ पे रुके हुए हैं ताकि वो नीचे की तरफ ना गिरें। टुडे वी हैव फाउंड द करेज टू लेट देम सोर थ्रू स्पेस विदाउट सपोर्ट, उसने कहा अब जो है हमें पता चल गया है कि जो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिना किसी सपोर्ट के जो हैं ऊपर हवा में तैर रही हैं। दे आर ट्रेवलिंग एट फुल स्पीड जस्ट लाइक आवर शिप्स, उसने कहा ये भी जो है हमारी शिप्स की तरह बड़ी तेज़ी से ऊपर घूम रही हैं। एट फुल स्पीड एंड विदाउट सपोर्ट, एक बड़ी फुल स्पीड के साथ और किसी भी किस्म की सपोर्ट के बगैर। एंड द अर्थ इज़ रोलिंग चीयरफुली अराउंड द सन, उसने कहा और जो ज़मीन है वो तो बड़ी मज़े से घूम रही है सन के इर्द गिर्द। एंड फिश वाइव्स मर्चेंट प्रिंसेस कार्डियन एंड इवन द पोप आर रोलिंग विद इट, उसने कहा ये जो फिश वाइफ है या हमारे जितने मर्चेंट्स हैं प्रिंसेस हैं कार्डिनल्स हैं इवन द पोप जो है ये सब जो है मूव कर रहे हैं ज़मीन के साथ उसमें। द यूनिवर्स हैज़ लॉस्ट इट्स सेंटर ओवरनाइट, क्योंकि ज़मीन ने यूनिवर्स ने जो है ये एकदम से अपना जो है सेंटर ही चेंज कर लिया। यहाँ पे ये इशारा जो है सिंबलिज्म है कि जो यूनिवर्स ने अगर अपना फौरन से फ्लिप कर लिया है कि सन जो है वो नहीं मूव कर रहा है और अर्थ मूव कर रही है और सेंटर एक दूसरे के साथ चेंज हो गया, तो उसने क्या बताया कि अब हमें भी जो है पोप के चर्च के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाने बल्कि हमें जो है साइंस की तरफ अपना फेस करना है। एंड वो कन अप टू फाइंड इट हैज़ काउंटलेस सेंटर्स, और जब हम जाग गए हैं तो अब हमें पता चला कि हमारे तो बहुत से जो हैं सेंटर हैं। इसने अपनी ज़मीन को सिंबलाइज किया है, चर्च को
होप को सिंबलाइज किया है सितारों से और कॉस्मोगनी से। उसने क्यों कहा है? क्योंकि उसने कहा है कि हमारे ऊपर भी जो है बहुत सारे, अब जो है हमें पता चल गया है कि साइंस ने जैसे तरक्की की है कि बहुत सारे सन हैं, सिर्फ एक ही हमारा ऊपर क्रिस्टोस्फेयर नहीं है, बहुत सारे क्रिस्टोस्फेयर हैं और हर एक का अपना अपना एक सूरज है। इवन के एक और भी जो है नॉलेजफुल पिछले दिनों निकली थी कि एक स्फीयर ऐसा भी पता चला है जिसके अपने दो सूरज हैं और एक के चार सूरज भी हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चार सूरज भी हैं उस पर वो तहकीक हो रही है। मींस कि ये बताया जा रहा है कि हर एक क्रिस्टल स्फीयर का जो है अपना एक सिस्टम है, अपना एक सूरज है। तो इसी तरह सिर्फ एक सूरज नहीं है, अब तो काउंटलेस सेंटर हो गए हैं, सो दैट ईच वन कैन नाउ बी सीन एज द सेंटर और नॉन एट ऑल। और यहाँ तक कि अब पता चलना शुरू हो गया है कि यहाँ पे बड़े सारे जो हैं हर एक का अपना अपना एक सेंटर होता है, और या फिर होता ही नहीं है। सडनली देर इज़ अ लॉट ऑफ रूम। और फिर उसके बाद पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं रूम्स हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आवर शिप सेल्स फॉर ओवरसीज, आवर प्लेनेट मूव फॉर आउट इन टू स्पेस इन चेस टू द रॉक्स टू द रूक्स हैव बिगिन स्वीपिंग फॉर अक्रॉस द बोर्ड। उसने कहा हमारी जो शिप्स हैं वो अब दूरों तक, ओवरसीज मीन यानी कंट्री से भी बाहर या कॉन्टिनेंट से भी बाहर जो है वो सेल करने लग गई हैं। हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करने लग गए हैं हवाओं में। इवन कि चेस भी जो है उसकी भी हरकत जो है चेंज हो चुकी हुई है, वो भी अब बड़े तरीके से जो है बोर्ड पर खेले जाने लगा है। व्हाट डज द पोएट से, क्या कहता है वो शायर? ओ अर्ली मॉर्निंग ऑफ द बिगनिंग, के अर्ली मॉर्निंग ए सुबह, नई स्टार्ट की सुबह। एंड्रिया, ओ अर्ली मॉर्निंग ऑफ अ बिगनिंग्स, अ ब्रेथ ऑफ अ विंड दैट कम्स फ्रॉम न्यू शोर्स। उसने कहा ओ इस प्यारी सुबह, या सुबह शुरुआत की सुबह, ओ ब्रेथ ऑफ अ विंड यानी नई हवा का, हवा की जो है हमारी तनफ्फुस ये आ रही है एक नए शोर्स से, एक नए बीच से या नए किनारों से आ रही है, ये नए नए किनारे कहा जा सकता है। एंड यू वुड बेटर ड्रिंक अप योर मिल्क, और अब जो है तुम्हें, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अपना दूध पी लो। बिकॉज पीपल आर श्योर टू स्टार्ट अराइविंग सून, अब ये श्योर है कि लोग जो हैं वो आने वाले हैं। गिलेली, हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, अब बताते जा रहे हैं कि कन्वर्जेशन चेंज हो गई है। और उसने पूछा है कि कल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था उसका क्या बना है। अब एक किस्म का ये चैप्टर वन में ये एक दूसरा स्टेप आ गया है जहाँ पर नया डे स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक नया डे स्टार्ट हो गया। उसने आके पूछा है कि तुम्हें पता है कि कल जो तुम्हें मैंने पढ़ाया था क्या तुम्हें कल समझ आई थी। एंड्रिया, व्हाट ऑल दैट अबाउट कॉपर क्नीकर्स एंड टर्निंग, उसने कहा तुमने मुझे नहीं पता क्या बताया था कॉपर क्नीकर्स के बारे में एंड उसकी हरकत के बारे में। गिलेली, यस एंड्रिया, नो व्हाट वुड यू वांट मी टू अंडरस्टैंड दैट फॉर, तो मुझे क्यों ये सब पढ़ाना चाहती, क्या इसकी वजह है, मैं क्यों ये समझूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई एम नॉट इवन 11 टिल अक्टूबर। उसने कहा अभी तो मैं अक्टूबर में 11 साल का भी नहीं हुआ, तुम मुझे इतनी मुश्किल चीज़ें पढ़ा रहे हो। गिलेली, आई पर्टिकुलरली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें समझ आए। गेटिंग पीपल टू अंडरस्टैंड इट इज़ द रीज़न वाई आई गो ऑन वर्किंग, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले और यही मेरा रीज़न है, इसी की वजह से मैं काम कर रहा हूँ। एंड बाइंग एक्सपेंसिव बुक्स इंस्टेड ऑफ पेइंग द मिल्कमैन, उसने कहा इसलिए मैं जो है बड़ी महंगी किताबें खरीद लेता हूँ बजाय कि मैं मिल्कमैन को पे करूँ। बट आई कैन सी विद माई ओन आईज दैट द सन गोज डाउन इन डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम वेयर इट राइज। इंद्रिया जो है बड़ा मुस्तगरब हो के बोलता है कि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि सूरज जो है एक तरफ से निकलता है वो दूसरी तरफ जाता है, तो वही हरकत कर रहा है। सो हाउ कैन इट स्टे स्टिल, ऑफ कोर्स इट कैन नॉट, तो फिर वो कैसे जो है एक जगह खड़ा है और हम जो हैं इट्स, तो फिर ये कैसे जो है हो सकता है मुमकिन कि वो जो है एक जगह पे खड़ा हो, बिल्कुल भी नहीं। यू कैन सी इंडीड, गैलीलियो ने कहा तुम देख सकते हो। What can you see
और जो तुम देख सकते हो नथिंग एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं, ये जस्ट गैप, जस्ट गैप, तुम बिल्कुल जो है अहमक हो। ग्वैपिंग इज सीइंग, उसने कहा, और ये जो अहमकनेस होती है वो देखना नहीं होती है। ही पुट्स द आयरन वॉश स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रूम, उसने वॉश स्टैंड के जो आयरन स्टैंड, आयरन का जो वो जिस पे कपड़े सुखाते हैं वो स्टैंड, उसने जो है वॉश स्टैंड जो उसने मिडल में रखा है। राइट, दिस इज़ द सन, उसने सोच, उसने कहा सोचो ये ही एक सन है या ये एक सन है तुम्हारे सामने। सिट डाउन, अब यह बैठ जाओ। एंड्रिया सिट ऑन वन ऑफ द चेयर, गैलीलियो स्टैंड बिहाइंड हिम। वेयर इज़ द सन, उसने कहा कहाँ है सूरज। राइट और लेफ्ट ऑफ यू, उसने कहा, उसे पूछे तुम्हारे राइट साइड पे या लेफ्ट। एंड्रिया ने कहा लेफ्ट साइड पे। एंड नाउ गोज नो गैलीलियो, एंड हाउ डज इट गेट टू बी ऑन योर राइट, अब तुम बताओ कि कैसे वो तुम्हारे राइट पे आ सकता है। एंड्रिया, बाय यू कैरिंग इट टू माई राइट ऑफकोर्स, तो तुम इसको उठाकर जो है मेरे राइट पे रख दोगे तो ऑफकोर्स वो आ जाएगा। गैलीलियो, इज़न्ट देयर एनी अदर वे, सोचो कोई और जो है हल नहीं है। ही पिक्स अप हिम अलोंग विद द चेयर एंड मेक एन अबाउटर, नाउ वेयर इज़ द सन, उसने उठा के जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था उसने उसको उठा के घुमा दिया। तो उसने कहा अब वो कहाँ पे है। एंड्रिया ने कहा मेरे राइट पे आया। गैलीलियो, डिड इट मूव, उसने कहा क्या वो हरकत की उसने। एंड्रिया, नॉट रियली। गैलीलियो, सो व्हाट डिड मूव। एंड्रिया ने कहा मी। गैलीलियो, एल्बोज रॉन्ग यू इडियट द चेयर, उसने कहा तुम नहीं घूमे हो क्रेजी बॉय, ये कुर्सी घूमी है। एंड्रिया, बट मी विद इट, मैं भी तो उसके साथ घूमा। गैलीलियो, ऑफ कोर्स द चेयर इज द अर्थ, यू आर सिटिंग ऑन इट, ने कहा तो ऑफ कोर्स चेयर इज जो है वो ज़मीन है और तुम उसके ऊपर बैठे हुए। मिसेस सारथी, मिसेस सारथी कौन है, ये एंड्रिया की मदर हैं जो अंदर आई हैं। हैज़ एंटर्ड इन ऑर्डर टू मेक द बेड, वो अंदर आई हैं क्योंकि वो बेड बनाना चाहती हैं या बेड को या बिस्तर लगाना चाहती हैं या बिस्तर ठीक करने आई हैं। शी हैज़ बीन वॉचिंग, और वो देख रही थी। जस्ट व्हाट आर यू अप टू विद माई बॉयज, मिस्टर गैलीलियो, आप मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही हैं या कहाँ पहुँच चुके हैं मेरे बच्चे के साथ। मिस्टर गैलीलियो, गैलीलियो टीचिंग हिम टू सी, मिसेस सारथी, उसने कहा मैं इसको सिखा रहा हूँ कैसे देखते हैं। मिसेस सारथी, व्हाट बाय लगिंग हिम अराउंड द रूम, ये क्या तुम इसको उठा के जो है घुमा रहे हो कमरे में, इस तरीके से दिखाते हैं। एंड्रिया, ले ऑफ मदर, यू डोंट अंडरस्टैंड, उसने कहा कूल डाउन मदर, छोड़ दो माई मदर, तुम नहीं समझोगी। मिसेस सारथी, ओ डोंट आई, क्या मैं नहीं, एंड यू डू, और तुम कर सकते हो। इज़ दैट इट, क्या यही बात है। देर इज़ यंग जेंटलमैन वॉन्ट्स सम लेसन्स, यहाँ पे एक यंग जेंटलमैन आया हुआ है जिसको लेसन्स चाहिए। वेरी वेल ड्रेस्ड अप, गॉट अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू, उसके बाद उसने कहा, उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या सही तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, और उसके पास एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी है। हैंड्स इट ओवर, और उसके हाथ में देते हुए या मिस्टर गैलीलियो के हाथ में देते हुए कहती है, यू विल हैव एंड्रिया बिलीविंग टू एंड टू मेक्स अ फाइव एनी मिनट नाउ, अब तुम जो है उसने कहा ये यकीन दिलाओगे कि दो और दो चार होते हैं। उसने कहा क्योंकि अब तुम बताओगे कि दो और दो चार होती है मेरे बच्चे को। मिस्टर गैलीलियो, एज इफ ही डिडेंट ऑलरेडी मडल अप एवरी थिंग यू टेल मी, अगर उसने जो है सारी चीज़ों का मिक्स अप ना कर दिया तो फिर मुझे बताना। ओनली लास्ट नाइट ही हैज़ आर्ग्यूइंग दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, ही इज़ गॉट इट इन टू हिज हैड दैट सम जेंटलमैन कॉल कॉपर नीकर्स वर्क दैट वन आउट, उसने कहा है ये रात ही ये मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा था कि जो है ज़मीन घूमती है सूरज के इर्द गिर्द, और ये आइडिया जो है किसी कॉपरनिकर ने दिया है। एंड्रिया, डिडंट कॉपरनिकर वर्क इट आउट, तो क्या कॉपरनिकर ने केस पे काम नहीं किया है। मिस्टर गैलीलियो, मिस्टर गैलीलियो यू टेल हर, तुम इसे बताओ। मिसेस सारथी, यू श्योरली कैन टेल हिम सच स्टोरीज, अब मिस्टर सारथी कहती हैं कि क्या श्योरली यकीन है तुम्हें ऐसी कहानियाँ इसको नहीं बतानी चाहिए। मेकिंग हिम ट्रॉट इट ऑल आउट एट स्कूल सो द प्रीस्ट कम एंड सी मी बिकॉज ही कीप्स ऑन कमिंग आउट विद ब्लास्फेमीज, उसने कहा कि तुम चाहते हो कि इसको स्कूल से निकाल दिया जाए, और जो प्रीस्ट और जो जितने भी लोग हैं वो ट्रोल करें इसको कि ये जो है ब्लास्फेमीज करता है यहाँ पर। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ मिस्टर गैलीलियो, उसने कहा कि तुम्हें जो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। मिस्टर गैलीलियो, मिस्टर गैलीलियो
ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट। मिस्टर केलेली अपने ब्रेकफास्ट खाते हुए, इन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ आवर रिसर्च, हमारी रिसर्च के मुताबिक मिसिस सारथी एंड यू एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव आर्ग्यूमेंट और एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव आर्ग्यूमेंट और हमारे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट की वजह से एंड दी एंड आई हैव मेड डिस्कवरीज और इसकी वजह से हमने जो है मैंने और इंद्रिया ने बड़ी डिस्कवरीज की हैं विच वी कैन नो लॉन्गर होल्ड बैक फ्रॉम द वर्ल्ड, जिनको हम दुनिया से शेयर किए बगैर जो है नहीं रह सकते। ए न्यू टाइम हैज़ बिगन, ए टाइम इट सप्लाई टू लिव विद इन, इसने कहा एक नया वक्त शुरू हो चुका हुआ है, ये एक खुशी का टाइम है जिसमें हमें रहना है, या एक अच्छा टाइम है जिसमें आने वाला है जिसमें हम रहेंगे। मिसिस सारथी, वेल लेट्स होप योर न्यू टाइम विल अलाउ अस टू पे द मिल्कमैन, उसने कहा अल्लाह करे ये जो नया टाइम आ रहा है खुदा करे उसकी वजह से तुम जो है मिल्कमैन के भी पैसे दे दो। मिस्टर गिलैली इंडिकेटिंग द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन और उसने मिस्टर गिलैली को जो है इंट्रोडक्शन की तरफ इंट्रोडक्शन लेटर की तरफ जो है इशारा करते हुए उसने कहा, जस्ट डू मी अ फेवर एंड डोंट सेंड दिस मैन अवे, मेरे पे एक मेहरबानी करो और इस आदमी को कहीं जाने ना देना। आई एम थिंकिंग ऑफ अ मिल्क बिल, उसने कहा और मैं सिर्फ जो है इस वक्त बिल के बारे में सोच रही हूँ, और वो एग्जिट हो जाती है, यहाँ से चली जाती है। गिलैली लाफिंग, लेट मी एट लीस्ट फिनिश माई मिल्क, उसने कहा सबसे पहले तो मुझे अपना मिल्क जो है इस मसले को हल करना होगा। टू एंड्रिया, उसने कहा सो यू डिड अंडरस्टैंड समथिंग यस्टरडे, क्या तुम्हें कल समझ आई थी कोई बात। एंड्रिया, आई ओनली टोल्ड हर टू वेक हर अप अ बिट, मैंने उसे कहा था सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाग जाओ मेरे साथ, बट इट इज़न्ट ट्रू, पर ये सच नहीं है। ऑल यू डिड विद मी एंड दैट चेयर वॉज टर्न इट साइड वे, नॉट लाइक दिस, जो तुमने मेरे साथ अभी किया है और मेरी चेयर जो है घुमा दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही मेक्स लूपिंग मोशन विद हिज आर्म, और उसने अपनी बाजुओं से जो है एक जैसे इशारा करते हुए उसने कहा है, और आई वुड हैव फॉलन ऑफ एंड दैट्स अ फैक्ट, और मैं जो है इसकी वजह से गिर भी सकता था और ये एक सच्चाई है। वाई डिडंट यू टर्न द चेयर ओवर, तुमने जो है चेयर को क्यों नहीं जो है ऊपर से घुमाया, बिकॉज इट वुड हैव प्रूव्ड आई हैव फॉलन ऑफ इफ़ यू टर्न इट दैट वे सो देर, उसने कहा अगर तुम चेयर को घुमा देते तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं नीचे गिर जाता, इसलिए तुमने उसको नहीं घुमाया, तुमने उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर दी। गिलैली, लुक आई प्रूव टू यू, कम मैंने तुम्हें प्रूव तो कर दिया है। एंड्रिया, बट लास्ट नाइट आई रियलाइज दैट इफ द अर्थ टर्न दैट वे आई वुड बी हैंगिंग हेड डाउनवर्ड्स एवरी नाइट एंड दैट्स अ फैक्ट, उसने कहा अगर मैं सोचता हूँ कि अगर तुम्हारे मुताबिक ज़मीन घूमती है तो मैं रोज़ाना रात को मेरा सर नीचे होता और मैं उपटांगे ऊपर होती है, मैं तो यानी घूम जाता हूँगा, यही एक सच्चाई है। गिलैली टेक्स एन एप्पल फ्रॉम द टेबल, उसने एप्पल उठाया टेबल से, राइट नाउ दिस इज द अर्थ, ये अब ज़मीन है। एंड्रिया, डोंट कीप ऑन टेकिंग दैट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, एंड्रिया इस तरह की मिसालें ना लो मिस्टर गिलैली, देर दीज ऑलवेज वर्क, उसने कहा ये तो सारी तुम्हारे साथ हमेशा जो है काम करती हैं। गिलैली पुटिंग बैक द एप्पल, वेरी वेल, उसने एप्पल को वापस रखा और उसने कहा ओके एंड्रिया, एग्जाम्पल ऑलवेज वर्क इफ़ यू आर क्लेवर, ओनली आई कैंट लग माई मदर राउंड इन अ चेयर लाइक यू डिड मी, उसने कहा तुम्हारी जो सारी मिसालें हैं वो काम करती हैं, क्योंकि अगर आप क्लेवर हो तो सारी मिसालें ये काम करती हैं, क्योंकि अब जो है मैं अपनी माँ को उठा के इस तरीके से घुमा नहीं सकता, तो मेरे लिए तो ये नहीं काम की। सो यू सी इट्स रोट एन एग्जाम्पल रियली, तो फिर तुमने देखा ये मेरे लिए तो अच्छी मिसाल नहीं बनी। एंड सपोज योर एप्पल इज़ द अर्थ लाइक यू से नथिंग फॉलोज, और जैसे तुमने कहा कि अर्थ के बारे में कहा है तो इस तरह तो कुछ भी नहीं चलता है, इस तरह तो कुछ भी चीज़ नहीं चलेगी या फॉलो करेगी। कि ले लियो लाफिंग, यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू नो, तुम जो हो वो बिल्कुल भी जो है कुछ जाना नहीं चाहती है। एंड यू पिक इट अप अगेन, वाई डोंट आई हैंग हेड डाउनवर्ड्स एट नाइट देन, तो उसने कहा उसने उसको दोबारा से देते हुए यानी उससे जो एप्पल नीचे रखा था वो उठाते हुए उसने दोबारा से कहा कि तो फिर मेरा रात को जो है क्यों नहीं जो है सर नीचे की तरफ हो जाता। गिलैली, राइट देयर इज़ अ अर्थ एंड देयर इज़ यू स्टैंडिंग ऑन इट, यहाँ पे अर्थ है और तुम यहाँ पे खड़े हो। ही टेक्स अ स्प्लिंटर फ्रॉम पीस ऑफ अ फायरवुड, उसने जो है एक स्प्लिंटर एक का छोटा सा जो है पीस लिया फायरवुड से एंड स्टिक इट टू इनटू अ एप्पल, और उसने वो एप्पल में लगा दी, यानी कि उसने सीधी सी स्टिक ली एप्पल में लगा दी, और नाउ द अर्थ इज टर्निंग अराउंड, और उसने अर्थ को घुमा दिया इसको बना के।
एंड नाउ आई एम हैंगिंग हेड डाउन, और अब मेरा सर जो है आगे की तरफ है. व्हाट वुड यू मीन, लुक एट इट केयरफुली, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मेरी तरफ गौर से देखो. वेयर इज़ योर हेड, तुम्हारा सर कहाँ है? एंड्रियो, पॉइंटिंग देयर अंडरनेथ, इसके नीचे है. ग्लेनियो, रियली? ही टर्न इट बैक. इजंट इट प्रिसाइजली द सेम पोजिशन, उसने कहा, इधर गौर से देखो, क्या ये अपनी जगह पर बिल्कुल नहीं है? Aren't you feet still underneath? तुम्हारे पैर क्या नीचे नहीं है? You don't stand like this when I turn it. ठीक है, जब मैं इसको जो है मूव करता हूँ तो क्या तुम ऐसे ही नहीं खड़े रहते? He takes out the splinter and put it in a upside down. और उसने जो है इसने स्प्लिंटर निकाल के उसने दोबारा से वो छोटी सी लकड़ी उसने डलती उसको निकाल के उसको दोबारा नीचे रखा. उसने कहा, what's the problem? जी नो देन वाई यू डोंट नोटिस इट इज टर्निंग, तो फिर तुम क्यों नहीं नोटिस करेंगे? क्यों हम नोटिस नहीं कर सकते कि ज़मीन घूम रही है? गैलीलियो, बिकॉज यू आर टर्निंग विद इट, क्योंकि तुम इसी के साथ मूव कर रहे हो. यू एंड द एयर अबव यू एंड एवरीथिंग एल्स ऑन दिस बॉल, तुम और तुम्हारी सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ इर्द गिर्द जो हैं इस बॉल के साथ ही घूम रही हैं. देन वाई डज इट लुक एज इफ द सन मूविंग, तो फिर हमें क्यों लगता है कि सूरज घूम रहा है? गैलीलियो टर्न्स द एप्पल एंड द स्प्लिंटर अराउंड अगेन, राइट? उसने दोबारा उसने एप्पल को और उसके स्प्लिंटर को जो है दोबारा उसने घुमाया. यू आर सीइंग द अर्थ बिलो यू, तुम जो है अर्थ को अपने नीचे देख रहे हो. दैट डजंट चेंज, जो कि बिल्कुल भी घूम नहीं है. इट ऑलवेज अंडरनीथ यू एंड सो फार एज यू आर कंसर्न इट डजेंट मूव, तो जैसे कि तुम्हारा कंसर्न है इसके मुताबिक जो है बिल्कुल भी वो जो है नहीं मूव करी है. बट देन लुक व्हाट्स अबव यू, फिर तुम्हारे ऊपर जो भी है. एट प्रेजेंट द लैम्प्स ओवर यू हैड, और उसके ऊपर जो लैम्प लगा हुआ था उसने कहा इसके ऊपर देखो और सोचो कि तुम एप्पल के ऊपर तुम घुमा रहे हो इसे, लेकिन ऐसे लगता है कि वो घूम रहा है. एट बट वंस आई हैव टर्न द एप्पल व्हाट्स ओवर इट नाउ दैट व्हाट्स अबव, उसने कहा अगर मैं इस एप्पल को जो है टर्न कर दूँ थोड़ा सा ऊपर तो तुम्हारे ऊपर जो भी चीज़ है वो सारी घूमेगी. एंड ही टर्न्स द हेड सिमिलरली द स्टोव, उसने अपनी सर को जो है बिल्कुल स्टोव की तरह घुमाया. ठीक है गैलीलियो, एंड वेयर इज़ द लैम्प, और कहाँ है वो लैम्प? एंड्रियो, अंडरनीथ, वो नीचे है गैलीलियो. हाँ एंड्रियो, दैट्स ग्रेट, दैट आई विल गिव, दैट विल गिव हर समथिंग टू थिंक अबाउट. एंड लडविको मार्स मार्सिली ए रिच यंग मैन, अब जो है एंड्रिया ने जैसे ही कहा कि ये एक बड़ी अच्छी बात है, अब मैं उसको जो है कन्विंस कर सकता हूँ. ये अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए, एक अंदर एक आदमी दाखिल होता है यंग मैन, उसका नाम है लडविको, वो आया है अंदर. गैलीलियो, दिस प्लेस इज़ गेटिंग लाइक अ पिजन लोफ्ट, उसने कहा ये ज़मीन जो है कबूतरों के पिंजरे की में जो है तब्दील होती जा रही है. लडविको, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज़ लडविको. गैलीलियो, रीडिंग हिज लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, सो यू हैव बीन इन हॉलैंड, क्या तुम हॉलैंड से हो? हॉलैंड में थे. लडविको, वेयर दे वर ऑल स्पीकिंग अबाउट यू मिस्टर गैलीली, मिस्टर गैलीली, योर फैमिली ओन्स स्टेट इन द कंपाना. लडविको, मदर्स वॉन्टेड मी टू हैव अ लुक सी फाइंड आउट व्हाट्स कुकिंग इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट, उसने कहा मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि जाओ देख के आओ क्या पक रहा है दुनिया में. ठीक है ना गैलीलियो, एंड इन हॉलैंड दे टोल्ड यू दैट इन इटली फॉर इंस्टेंस आई वॉज क्योंकि, और उसने कहा हॉलैंड में उन्होंने फिर बताया कि फॉर एग्जाम्पल यानी मैं वहाँ पर कुछ बना रहा हूँ. लडविको, एंड सिंस मदर आल्सो वॉन्टेड मी टू हैव अ लुक सी इन द साइंसिस, उसने कहा और मेरी माँ भी चाहती है कि मैं जाके साइंस में जो है कोई काम करूँ या उसमें देख उसकी उसमें ज़रा ज़्यादा देखूँ उसको. गैलीलियो, प्राइवेट ट्यूशन 10 सूरीज अ मंथ. लडविको, वेरी वेल सर. गैलीलियो, व्हाट आर यू मेन इंटरेस्ट? लडविको, हॉर्सेस. गैलीलियो, हाँ. लडविको, आई हैव नॉट गॉट द ब्रेन्स फॉर साइंस मिस्टर गैलीली. गैलीलियो, हाँ, इन दैट केस वी विल मेक इट 15 सूरी अ मंथ. लडविको, वेरी वेल मिस्टर गैलीली. गैलीलियो, आई विल हैव टू टेक यू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, दैट विल बी योर लॉस. एंड्रिया, यू विल हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ द कोर्सेज यू डोंट पे सी, उसने कहा कि देखो अगली ही फुर्सत में सुबह जो है एंड्रिया तुम जो हो फारिग होने वाले हो, क्योंकि तुम जो हो एक रुपया भी नहीं पे करते हो. एंड्रिया, आई एम ऑफ, कैन आई हैव द एप्पल? उसने कहा ओके मैं जा रहा हूँ, क्या मैं ये सेब साथ ले जाऊँ? गैलीलियो, यस. लडविको, यू विल हैव टू बी पेशेंट विद मी, यू सी एवरीथिंग इन द साइंस गोस अगेंस्ट अ फेलोज गुड साउंड कॉमन सेंस. उसने कहा कि आपको मेरे साथ जो थोड़ा पेशेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें साइंस में एक कॉमन सेंस के खिलाफ चलती है. आई मीन लुक एट दैट क्वीर टेबल ट्यूब,
थिंग दे आर सेलिंग इन एमेस्टरडम, इस ट्यूब की तरफ देखो जो एमेस्टरडम में जो है बेची जा रही है। आई गेव इट अ गुड लुकिंग ओवर, और यहाँ जो है तुमने इसको थोड़ी सही शक्ल दी हुई है, एक ग्रीन लेदर केस नहीं, उन्होंने एंड गेव इट अ गुड लुकिंग कवर, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके ऊपर जो है थोड़ी अच्छी शक्ल दी हुई है, एक ग्रीन लेदर केसिंग जिसके ऊपर हरे रंग की केसिंग है एंड कपल ऑफ लेंसेज, और उस पर लेंसेज भी हैं। वन दिस वे ही इंडिकेट कॉनवस कॉनकेव लेंसेज, उसने जो है उनमें से एक जो है उसने इशारा करते हुए बताया कि कॉनकेव लेंस है, एंड द अदर वे ही इंडिकेट द कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरी तरफ जो है उसके कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। वन ऑफ देम सपोज्ड टू मैग्नीफाई द अदर रिड्यूस, उसमें से एक जो है उसको मैग्नीफाई बड़ा करने के लिए और दूसरा जो छोटे करने के लिए दिखाया गया है लगाया गया है। एनी वन हीज राइट माइंड वुड एक्सपेक्ट देम टू कैंसिल देम, कोई भी जो है देखेगा तो पता चल जाएगा कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। दे डोंट, अगर नहीं, द थिंग्स मेक एवरी थिंग अपीयर्स 5 times द साइज, और ऐसे ही जो है सारी चीज़ें जो उसमें 5 गुना बड़ी नज़र आती हैं। दैट साइंस फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए एक साइंस है। ग्रेलियो, वट अपीयर्स 5 times इन साइज, क्या 5 times बड़ा नज़र आता है? लुडविको, चर्च स्पायर्स पिजन्स एनी थिंग दैट्स लॉन्ग वे ऑफ, कोई भी चीज़ जो कि उसके रास्ते में आती है, पिजन चर्च कोई भी चीज़, ठीक है ना। गैलीलियो, डिड यू योर सेल्फ सी चर्च स्पायर्स मैग्निफाइड इन दिस वे, क्या तुमने खुद देखा है कि चर्च के जो स्पायर्स होते हैं जो ऊपर घूमने वाले होते हैं वो जो है बिल्कुल 5 times नज़र आते हैं? लुडविको, यस सर, गैलीलियो, एंड दिस ट्यूब वॉज 2 lenses, ही मेक्स अ स्केच ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, डिड इट लुक लाइक दैट? लुडविको नोट्स हाउ ओल्ड दिस इन्वेंशन, उसने गैलीलियो ने जो है के पेपर के ऊपर स्केच बनाया और लुडविको से पूछा, वो ऐसी लगती है, उसने देखती है कहा, उसने कहा जी, और देखो कितनी पुरानी इन्वेंशन है। लुडविको, नॉट मोर देन अ कपल ऑफ अ डेज, उसने कहा ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिनों की, यानी थोड़े दिनों की ही बात है ये। व्हेन आई लेफ्ट हॉलैंड एट लीस्ट दैट्स हाउ लॉन्ग इट हैड बीन इन द मार्केट, उसने कहा जैसे मैंने हॉलैंड छोड़ा उन्हीं दिनों की बात है, ये मार्केट में बड़ी आम थी। गैलीलियो, ऑलमोस्ट फ्रेंडली, एंड व्हाई डज इट हैव टू बी फिजिक्स, वाई नॉट हॉर्स ब्रीडिंग, तो तुम यहाँ पे जो है फिजिक्स पढ़ने के लिए क्यों आए, तुम हॉर्स ब्रीडिंग की तरफ क्यों नहीं चले गए? एंड मिसेस सारथी अनऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो, लुडविको, मदर थिंक यू कांट डू विदाउट अ बिट ऑफ साइंस, तुम साइंस के बगैर जो है ये सब कुछ नहीं कर सकते। नोबडी कैन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाइन विदाउट साइंस दीस डेज, यू नो। गैलीलियो, व्हाई डिडंट यू पिक अ डेड लैंग्वेज और अ थ्योरी और थियोलॉजी, तुम जो है इसके अलावा कोई मरी हुई ज़ुबान या कोई थियोलॉजी जो है पिक कर लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा, दैट्स ईजियर, वो ज़्यादा आसान भी होगी। सी मिसेस सारथी राइट कम अलॉन्ग ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, लुडविको लीव्स, उसने कहा कि तुम जो है ट्यूसडे की मॉर्निंग को आना, और लुडविको चला जाता है। ग्रेडी, डोंट गिव मी दैट लुक, आई एक्सेप्टेड हिम, उसने मिसेस सारथी की देखते हुए उसने कहा मुझे इस तरह मत देखो, मैंने उसे कबूल कर लिया या उसने एक्सेप्ट कर लिया। मिसेस सारथी, बिकॉज आई कॉच यूर आई इन टाइम, क्योंकि मैंने तुम्हें जो है टाइम पे जो पकड़ लिया है। द प्रोक्यूरेटर ऑफ द यूनिवर्सिटी इज आउट देयर, अब जो यूनिवर्सिटी का प्रोक्यूरेटर है वो जो है बाहर खड़ा, प्रोक्यूरेटर मीन ऑफिशियल आदमी जो है वो बाहर खड़ा है। गैलीलियो, शो हिम इन ही मैटर्स, उसने कहा उसको अंदर आने दो, उसकी ज़रूरत है। देयर मे बी अ 500 sudi इन दिस, आई वुडंट हैव टू बोदर विद कपल्स। मिसेस सारथी शोज द प्रोक्यूरेटर, गैलीलियो हैज़ फिनिश ड्रेसिंग मीन वाइल जोटिंग डाउन फिगर्स ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। गैलीलियो, गुड मॉर्निंग, लेट अस हाफ अ सुडो, द प्रोक्यूरेटर डिग्स अ कॉइन आउट ऑफ हिज पर्स एंड गैलीलियो गिव्स इट टू सारथी। टेल एंड्रिया टू गो टू द स्पेक्टिकल्स मेकर एंड गेट 2 lenses देयर इन द देयर प्रेस्क्रिप्शन, उसने प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के दिया है और पैसे जो हैं उसने 500 sudi किससे लिए हैं, उसने प्रोक्यूरेटर से लिए हैं, उसे लेकर उसने बच्चे को दिए हैं एंड्रिया को, और उसे कहा कि जाओ 2 lens खरीद ला। प्रोक्यूरेटर, आई हैव कम इन कनेक्शन विद योर एप्लीकेशन फॉर अ राइज इन अ सैलरी इन 1000 sudi, आई रिग्रेट दैट आई कैन नॉट रिकमेंड इट टू द यूनिवर्सिटी, एज यू नो कोर्सेज इन मैथमेटिक्स डू नॉट अट्रैक्ट न्यू स्टूडेंट। उसने कहा मैंने तुम्हारी जो है एप्लीकेशन पढ़ी थी जिसमें तुमने लिखा है 1000 sudi बढ़ा दिए जाएं, तो वो मैं आगे नहीं कर पाया क्योंकि लोगों का या स्टूडेंट्स का कोई मैथमेटिक्स में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। मैथमेटिक्स सो टू स्पीक इज एन
अनप्रोडक्टिव आर्ट। उसने कहा मैथमेटिक्स कहने में तो जो है एक अनप्रोडक्टिव सी आर्ट है। नॉट दैट आवर रिपब्लिक डजेंट स्टीम इट मोस्टली हाई, इट मे नॉट बी सो असेंशियल एज फिजियोलॉजी एज फिलोसफी और सो यूजफुल एज थियोलॉजी, बट इट नॉनथलेस ऑफर्स इन्फिनिट प्लेयर टू इट्स एडॉप्ट। उसने कहा कि मैथमेटिक्स जो है देखने में तो ये बड़ी हाईली वो लगती है, समझने में तो बड़ी जो है अनप्रोडक्टिव सा आर्ट लगती है, लेकिन वैसे इसकी कोई इज्जत नहीं है भाई, जैसे कि फिलॉसफी की है या किसी यूज़फुल थियोलॉजी या रिलीजन पर्सन्स की होती है, उनकी तरह कुछ नहीं। ये उन्हीं के लिए मज़े की चीज़ है जो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। गैलीलियो बिजी विद हिज पेपर्स, माई डियर फेलो आई कैंट मैनेज ऑन 500 सूली। उसने कहा मैं तुम्हारे जब 500 तो है वो नहीं मैनेज कर पाऊँगा। ये 500 किसके लिए कह रहा है, वो प्रोक्यूटर को कह रहा है कि फिर मैं तुम्हारी भी जो है फीस नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, प्रोक्यूटर, मिस्टर गिलैली, यू वीक कंसिस्ट ऑफ अ टू आवर्स लेक्चर्स, गिवन योर आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन यू कैन सर्टनली गेट प्लेंटी ऑफ पीपल्स हु कैन अफोर्ड प्राइवेट लेसन्स, हैवंट यू गॉट प्राइवेट पीपल्स। यहाँ पे उसने कहा है कि तुम जो है एक हर हफ्ते 2 घंटे की क्लास देते हो, ठीक है ना, 2 लेक्चर 2 घंटे के देते हो, तो इससे अच्छा नहीं कि तुम जो है जाओ बड़े प्राइवेट अपने स्टूडेंट जो है जमा करो और क्या उसे कह सकते हैं प्राइवेट लेसन्स दो। गैलीलियो, टू मेनी सर, आई टीच एंड व्हेन आई एम सपोज टू लर्न गॉड हेल्प अस। उसने कहा मैं पढ़ाता हूँ जब तक कि या अल्लाह हमारी जो है मदद करें। आई एम नॉट हाफ एज शार्प एज दोज जेंटलमैन इन द फिलोसफी डिपार्टमेंट। उसने कहा मैं फिलोसफी के डिपार्टमेंट के लोगों की तरह बिल्कुल चलाक नहीं हूँ। आई एम स्टूपिड, आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली नथिंग, सो आई एम कंपेल्ड टू फिल द गैप इन माई नॉलेज। उसने कहा मैं लोगों की तरह चलाक नहीं हूँ, मैं डमसाई का आदमी हूँ या एक ईजी सा आदमी हूँ जो कि अपनी नॉलेज के गैप्स को फिल करने में लगा रहता है। एंड व्हेन आई एम सपोज टू डू दैट, व्हेन एम आई टू गेट ऑन विद माई रिसर्च। उसने कहा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ इस टाइम या कहाँ अपनी रिसर्च में पहुँच सका हूँ। सर, माई ब्रांच ऑफ नॉलेज इज स्टिल अविड। उसने कहा मेरी जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है अभी वो बड़ी महदूद है टू नो। उसने कहा उसमें बड़ा जानने वाला है। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम स्टिल फाइंड अस विद नथिंग बाई हाइपोथीसिस टू गो ऑन। उसने कहा अभी बड़ा कुछ जो है हमें जो हाइपोथीसिस से हट कर या जो पुराने ख्याल आता है उससे हट कर हमें जो है जाना है। येट वी कीप आस्किंग अवर सेल्फ फॉर प्रूफ्स, और हमें अपने आप के लिए अभी भी जो है सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। हाउ आई टू प्रोवाइड देम, आई कैन ओनली मेंटेन माई होम बाई हैविंग टू टेक एनी थिक हेड हु कैन अफोर्ड टू मनी, एंड आई डिन इट इन टू हिम दैट पैरेलल्स लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। उसने कहा मैं जो है अभी बड़ी मुश्किल से थोड़े से पैसे इकट्ठे करता हूँ ताकि मैं जो हूँ घर चला सकूँ, ठीक है ना, और मैं कैसे जो है लोगों को ये प्रूव करता फिर उनके दो जो इन्फिनिटी लाइन जो कभी भी नहीं मिल सकती वो कैसे मिल जाएंगी, ये मेरे लिए बड़े प्रॉब्लम की बात है। प्रोक्यूटर, डोंट फॉरगेट दैट इवन इफ द रिपब्लिक पेज लेस वेल देन सर्टन प्रिंसेस, इट डज गारंटी फ्रीडम ऑफ रिसर्च इन पॉडवर्व, वी इवन एडमिट प्रोटेस्टेंट टू आवर लेक्चर्स। उसने कहा कि ये मत भूलो कि चाहे रिपब्लिक कम ही पे करती है लेकिन जो तुम्हारी रिसर्च है वो बड़ी फ्रीडम के काबिल है, और प्रोटेस्टेंट जो है हर लेक्चर में होती हैं। एंड गिव देम डॉक्टर डिग्री टू, और उनको जो है डॉक्टर की डिग्री भी मिली थी। एंड मिस्टर सेरेमोनीज केस वी नॉट ओनली फेल टू हैंड हिम ओवर द इंक्विजिशन व्हेन ही वाज प्रूव्ड मिस्टर गिलैली। उसने कहा सेरेमनी के केस में भी ये हुआ था कि इवन वो प्रूव हो गया था कि वो बिल्कुल ठीक है मिस्टर गिलैली टू हैव मेड इरिलीजियस रिमार्क, लेकिन उसने जो है एक दीनी खिलाफ बात की थी। ये याद रखनी है, मिसेस सेरेमनी की बात की है उसने, ये कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती है साइंस के कि उसने इरिलीजियस रिमार्क ही दिए थे, बट एक्चुअली गारंटी टीम राइज टू सैलरी, और उन्होंने उसको ये भी गारंटी दी कि तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज की जाएगी। एज फार एज हॉल इन विनेस इज नोन एज द रिपब्लिक वेर द इंक्विजिशन हैज़ नो से, और जब हॉलैंड को पता चला विनाइस में इस रिपब्लिक को इस इंक्विजिशन के बारे में, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। दैट शुड मीन समथिंग टू यू, जो तुम्हारे लिए तो कोई मतलब की बात हो सकती है। बीन एन एस्ट्रोनोमर दैट्स टू सी ऑपरेटिंग इन अ फील्ड वेर फॉर सम टाइम नाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ अ चर्च हैव हार्डली बीन treated with proper respect। उसने कहा that should mean something to you, ये तुम्हारे लिए तो कुछ हो बात हो सकती है as a astronomer, क्योंकि तुम जो है इस फील्ड में काम करते हो, क्योंकि लेकिन जो डॉक्ट्राइन जो चर्च की डॉक्ट्राइन है या जो चर्च के लोग हैं उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। यू पीपल हैंडेड मिस्टर
जार्डानो बोर्नो ओवर टू रूम, तुम लोगों ने जो है पहले भी जो है मिस्टर जार्डिनो के साथ ऐसे ही रोम में किया था, ये गैलीलियो ने जवाब दिया, बिकॉज ही वॉज प्रोपोगेटिंग द आइडिया ऑफ कॉपरनिकस, क्योंकि उसने जो है कॉपरनिकस के आइडिया को जो है आगे फर्दर मोर लेके गया था, प्रोकेट नॉट बिकॉज ही वॉज प्रोपोगेटिंग द आइडिया ऑफ मिस्टर कॉपरनिकस विच एनी वे आर रॉन्ग, बट बिकॉज ही वॉज नॉट ए विटेरियन सिटीजन एंड हैड नो रेगुलर पोजिशन हियर, उसने कहा इसलिए नहीं उसको जो है यहाँ से हटाया गया, उसको इसलिए हटाया गया था क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं थी, ठीक है, उस जगह पर, यानी वो रेप्यूटेबल नहीं था, इसलिए उसको जो है इस चीज़ की सज़ा मिली थी, यू नीडेंट ट्रैग इन मैन दे बोर्न, इसलिए उन्होंने जो है ज़रूरत महसूस की कि इसको जला दिया जाए, एक्सीडेंटली हाउ आर फ्री फॉर फ्री वी आर, चलो उसकी वजह से हम तो भाई फ्री आज़ाद हो गया, आई वुडंट गो अराउंड ओपनली सीटिंग अ नेम लाइक दिस विच इज सब्जेक्ट टू द एक्सप्रेस एनिमा ऑफ चर्च, नॉट इवन हेयर नॉट इवन देयर, उसने कहा मैं ऐसी कोई भी बात करना नहीं चाहता या इस इंसान का नाम भी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहता जिसकी वजह से हमारे बिलीव्स में प्रॉब्लम हो और मैं यहाँ या वहाँ कहीं का भी ना रहूँ, क्लियरली योर प्रोटेक्शन ऑफ अ फ्रीडम ऑफ अ थॉट इज़ प्रीटी गुड बिजनेस इजेंट, उसने कहा तुम्हारी जो है ये अपने आप को अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करने की जो बिजनेस है बड़ा ही अच्छा गया है, बाई शोइंग हाउ एवरी थिंग एज द इंक्विजिशन प्रिवेल्स एंड बर्न्स पीपल, चाहे तो वो चाहे किसी भी किस्म के प्रूव ले आए लोग तो और लोग जल जाएँ, यू गेट गुड टीचर्स चीफ फॉर दिस प्लेस, तुम लोगों ने बड़े अच्छे जो हैं टीचर्स रखे हुए हैं इस ची प्लेस पे, ठीक है ना, यू मेक अप फॉर योर एटीट्यूड टू द इंक्विजिशन बाय पेइंग लोअर सैलरीज देन एनीवन, तुम लोगों जो हो अपनी इंक्विजिशन को सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ लेके जाते हो, थोड़ी सी सैलरी दी और इनको चुप करा दिया, ठीक है ना, प्रोक्यूरेटर दैट्स मोस्ट अनफेयर, ये एक अनफेयर बात है, वट यूज वुड इट बी टू यू टू हैव अ लिमिटलेस स्पेयर टाइम फॉर रिसर्च इफ एनी इग्नोरेंट मॉन्क इन द इंक्विजिशन कुड जस्ट पुट अ बैन ऑन योर थॉट्स, उसने कहा ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा है या मेरे भाई जिसमें तुम सारा दिन जो है एक लिमिटलेस टाइम में जो है काम करते रहते हो अपने, और एक इग्नोरेंट समूह किया एक रिलीजियस आदमी आता है वो आके तुम पे बैन लगा देता है, एजुकेटेड सा अनएजुकेटेड सा, और तुम्हारी सोचो पे आके वो एक पैरा लगा दे, एवरी रोज हैज इट्स ओन, उसने कहा हर जो फूल होता है उसके के साथ कांटे भी होते हैं मिस्टर गिलारी, एवरी रूलर हैज़ हिज मोक, और हर रूलर का जो है एक मोक भी होता है, ठीक है ना, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी तालीम का या ऐसी बहसों में पढ़ने का कि जिनमें हमें जो है कोई फ़ायदा ना मिले, ये प्रोक्यूरेटर ने रिलीजियस को और साइंस को इकट्ठे ले जाते हुए उसने ये बात प्रूफ कर दी कि चाहे तुम जो भी कर लो ये कॉन्फ्लिक्ट साथ चलता रहेगा कि एक अनएजुकेटेड मॉक आएगा और तुम्हारी सोचों पर पाबंदी लगाएगा और उसके अलावा वो आपको बर्न भी कर सकता है, उसके अलावा आपको वो किसी भी किस्म की सज़ा दे सकता है क्योंकि इन द एंड ही विल आल्सो रिगेंट, सो इसके लिए भी है कॉपरनिकस के लिए भी प्रॉब्लम आई थी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन साइंस एंड रिलीजियस इट गोज़ हियर, ये प्रोक्यूटर की बात ने साबित कर दिया है, ठीक है, Galileo, so what's the good for free research without free time to research? What happened to its results? Perhaps you would kindly show this paper about falling bodies to the gentleman at Sinora. He indicates the bundle of manuscripts and asks them if it isn't worth a few extra sudi. उसने यहाँ से यानी बात को आगे ले जाते हुए Galileo ने कहा कि जब time नहीं होगा तो उस time तो हम research कैसे करेंगे? कैसे हम result जो है अपीयर करेंगे, उसने पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये पेपर फिर कैसे जो हैं आगे पहुंचेंगे, प्रोक्यूरेटर इट्स वर्थ इन्फिनिटी मोर देन दैट मिस्टर गिलैली, उसने कहा इससे भी ज़्यादा बड़ा जो है इनको ये उसकी भी वैल्यू रखते हैं मिस्टर गिलैली सर नॉट इन्फिनिट मोर मेयर 500 सूडी मोर, उसने कहा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे 500 ही मिल जाए वो काफ़ी है, और वर्थ सूरी इज वर्थ ब्रिंग सूरी, उसने कहा जो वर्थ सूरी की कीमत होगी या जो सूरी लगाई जाएगी वही वापस आएगी, इफ़ यू वॉन्ट मनी यू विल हैव टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स, वेन यू आर सेलिंग नॉलेज यू कांट आस्क मोर देन द बायर इज़ लाइकली टू मेक फ्रॉम इट, उसने कहा जब तुम एक नॉलेज बेच रहे हो तो तुम नॉलेज जैसे ही पैसे तुम्हें वापस में मिलेंगे, तुम्हें पैसे ही पैसे बनाते हैं, तो
कैसे कुछ ऐसा बनाऊं जिससे पैसे आए। फिलोसफी फॉर इंस्टेंस, अ स्टोर मिस्टर कोलंबो इन फ्लोरेंस नेट्स द प्रिंस एटलीस्ट 10,000 सूरीज ईयर। उसने कहा जैसे कि फिलोसफी है, उसने जो है उसकी वजह से 10,000 जो हैं सूरीज ईयरली आते हैं। आई नो योर लॉ ऑन फॉलिंग बॉडीज हैव मेड अ स्टेट, यू हैव अप्लॉड यू इन दे हैव अप्लॉड यू इन प्रैग एंड पैरिस, बट द पीपल हु अप्लॉड डोंट पे फॉर पाडवा यूनिवर्सिटी व्हाट यू कॉस्ट इट, यू मेड एन अनफॉर्चुनेट चॉइस ऑफ अ सब्जेक्ट मिस गिलरी। उसने कहा तुम्हारे लिए लोग जो है तालियां तो बजा सकते हैं लेकिन तुम्हें पे नहीं करते, और ना ही वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी को पे करने आते हैं जहाँ से हम तुम्हें निकाल कर देते हैं। उसने कहा मिस्टर गिलैली तुमने जो है सब्जेक्ट ही इतना जो है बदकिस्मत से चूज़ किया है। गिलैली, आई सी फ्रीडम ऑफ अ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ अ रिसर्च, फ्री ट्रेडिंग इन रिसर्च इज दैट प्रोक्यूरेटर। रियली मिस्टर गिलैली व्हाट अ वे ऑफ लुकिंग एट इट अलाउज मी टू टेल यू दैट आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड योर फ्लिपेंट रिमार्क्स। आवर रिपब्लिक थ्राइविंग फॉरन ट्रेड हार्डली स्ट्राइक्स मी as a matter to be sneered at, and speaking from many years of experience as producer of this university, I would have been more disinclined to speak of scientific research in what I would term with respect so frivolously a manner. While Galileo glanced longingly at his work, उसने यही एक बताया कि उसने कहा कुछ हमारे जो मुल्क हैं उसमें मुल्क में जितने भी जो स्ट्राइक्स होते हैं उसमें जो है स्नीयर जो है बड़ा जो है मैटर रखता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में तो वो हमें डिक्लाइन करते हैं हमारी स्पीकिंग, डिस्क्लाइंड टू स्पीक ऑफ आवर साइंटिफिक रिसर्च, तो हमें जो है अपनी साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो है हमें जो है परखा या तोला जाता है। मिस्टर ग्लैली फिर भी जो है अपने काम की तरफ अपने टेबल की तरफ देखते रहते हैं। कंसीडर द कंडीशंस दैट सराउंड अस, द स्लेवरी अंडर हूज व्हिप्स द साइंस इज सर्टन प्लेसेस आर ग्रोनिंग। उसने कहा जो हमारे हमारी जो हम जो हैं बड़ी सारी जगहों पे जो है साइंस जो है बहुत सारी जगहों पे वो स्लेव है अभी भी, व्हिप कट फ्रॉम ओल्ड लेदर बाइंडिंग्स, जिनको हमें जो है बड़ी मुश्किल से काटना पड़ेगा। नोबडी दे नीड टू नो हाउ अ स्टोन फॉल्स मेरिली व्हाट एरिस्टोटल रोट अबाउट इट। दी उसने कहा जब किसी भी लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है कि जब ऊपर से पत्थर नीचे गिरा है या ऊपर से जो चीज़ नीचे गिरती है वो गिर जाती है, ठीक है ना, उसको क्या रोक रहा है या क्या नहीं रोक रहा है इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए चाहे एरिस्टोटल ने लिख रहा, आइज आर ओनली फॉर रीडिंग विद, सिर्फ इसमें जो है सिर्फ रीडिंग तक ही हमें गुजारा है। वाई इन्वेस्टिगेट फॉलिंग बॉडीज व्हेन इट इज़ द लॉ गवर्निंग गवर्निंग बॉडीज एंड द कुडन। उसने कहा और ये जो तुम जमी जो जो ये सारी जो कायनात है उसके जो तुम काम कर रहे हो या वो जो घूम रही हैं या जो भी कर रही हैं उसके बारे में जो भी तुम कर रहे हो, कंट्रास्ट द इन्फिनिटी जॉय द विच आवर रिपब्लिक वेलकम आवर, ये वो काम है जिसमें हमारी हमारी पब्लिक हमें वेलकम तो कर सकती है, हाउ आर डेयरिंग विद मी भी, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो है कोई और जरूरत है ही नहीं है, नहीं या कोई काम ही नहीं है। हेयर सुपरवाइज यू नो बॉडी सुप्रेस यू, यहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुप्रेस कर रहा। आवर मर्चेंट्स नोज द वैली ऑफ बेटर देन बेटर लीलन इन देयर स्ट्रगल विद देयर कॉम्पिटिटर इन फ्लोरेंस, दे लिसन विद इंटरेस्ट टू योर क्राई फॉर बेटर फिजिक्स एंड फिजिक्स इन टर्न ओज मच टू देयर क्राई फॉर बेटर लूम्स। उसने कहा यहाँ पे जो है ये सारे जो हैं वो यही इंतज़ार करते रहते हैं, ये मर्चेंट्स ये वो हैं, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, बस वो अगर करते हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो क्या है, दे लिसन विद इंटरेस्ट टू योर क्राई फॉर बेटर फिजिक्स, वो अगर कुछ सी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे तो वो इसमें लेंगे कि तुम फिज़िक्स में कहाँ पहुँच चुके हो और वो फिज़िक्स जो है कितनी जो है उनके लिए लूम प्रोवाइड कर रही है। आवर मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीजन टेक इंटरेस्ट इन योर रिसर्च, कॉल ऑन यू, गेट यू टू डिमॉन्स्ट्रेट योर फाइंडिंग्स, मैन हूज टाइम इज प्रीशियस, डोंट अंडरस्टैंड ट्रेन मिस्टर गिलैली, नो बॉडी हेयर वुड स्टैंड फॉर द स्लाइटेस्ट इंटरफेयरिंग विद योर वर्क। ओके, हेयर यहाँ पे उनकी सारी बहस है और बहस करते करते वो यहीं पर पहुँच चुकी हुई हैं
कि यहाँ पर नेक्स्ट में आकर एंड्रिया आकर इनको ज्वाइन करता है और यहाँ पे आके बात होती है वो हाइपोथीसिस, उसके बारे में सवाल करता है एंड्रिया गैलीलियो। इट इज़ व्हेन यू अज्यूम दैट समथिंग इज़ लाइकली, ये वो चीज़ होती है जब तुम यकीन कर लेते हो कि कोई चीज़ तुम्हारे जैसी है। बट हैवंट एनी इफेक्ट, लुक एट फेलिशिया डाउन देयर आउटसाइड द बास्केट मेकर शॉप ब्रेस्ट फीडिंग हर चाइल्ड। उसने कहा वो देखो फेलिशिया को बाहर देखो, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इट रिमेन्स अ हाइपोथीसिस, ये एक हाइपोथीसिस रहेगा दैट शी इज़ गिविंग इट मिल्क एंड नॉट गेटिंग मिल्क फ्रॉम इट। उसने कहा कि ये जो है दूध पिला रही है जबकि दूध पी नहीं रही है। फेस्ड विद द स्टार्स वेयर वी वेर क्या है, फेस विद स्टार्स वी आर लाइक डल आइड वर्म दैट कैन हार्डली सी इट। उसने कहा और हम वो हैं इनमें से जिनको हम उसके जो है वर्म्स भी जो है बड़े मुश्किल से नज़र आते हैं। दोज ओल्ड कंस्ट्रक्शन पीपल हैव बिलीव्ड इन फॉर द लास्ट थाउजेंड ईयर्स होपलेसली एंड रिकेटली। उसने कहा यहाँ पर जो है लोग जो हैं बड़ी होपलेसली और रिकेटली जो हैं इस बात पर यकीन करके बैठे हुए हैं। अब एंड्रिया से पूछता है बट यू प्रूव्ड इट ऑल टू मी, तुमने ये मुझ पे सारे साबित करके बता दिए हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। गैलीलियो नो ओनली दैट्स हाउ इट कुड बी, ये ऐसे हो सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाइपोथेसिस, व्हाट्स मोर देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट। उसने कहा जो इससे ज़्यादा है वो इससे कम भी नहीं है। एंड्रिया आई वुड लाइक टू बी फिजिस्ट टू मिस्टर गैलीलियो, गैलीलियो दैट्स अंडरस्टैंडेबल गिव द मिलियन एंड वन क्वेश्चन इज़ आवर फील्ड स्टिल वेटिंग टू बी क्लियर अप। उसने कहा चाहे जितने भी मिलियन आ जाएं अभी फिर भी हमारा एक ही सवाल रहेगा। ही हैज़ गोन टू द विंडो एंड लुक थ्रोली द लेंसेज मिडली इंटरेस्टेड हैव अ लुक थ्रो द दैट एंट्रिया एंट्रिया हरी मेरी इट्स ऑल क्वाइट क्लोज द बेल्स इन द कैंपेनाइल वेरी क्लोज इंडीड, आई कैन इवन रीड द कॉपर लेटर्स ग्रेशिया दी गैलीलियो दैट्स विल गेट अस 500 सूरी। अब यहाँ पे एंड्रिया कहता है हॉली मेरी यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं बंद हैं और जितनी भी बेल्स हैं इन कंपाइल वेरी क्लोज इंडीड और वो भी उसके नज़दीक हैं। आई कैन इवन रीड द कॉपर लेटर्स और मैं यहाँ पर जो है कॉपर का लेटर भी पढ़ सकता हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रेशिया दी। ग्रेशिया दी मीन यानी ग्रेट काइंड गॉड गैलीलियो दैट विल गेट अस 500 सूरी और ये जो है हमें 500 सूरी दिला देगा। अब ये सारा पहले चैप्टर में जितनी भी बात हुई है उसके मुताबिक यही है के कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन साइंस में और बिटवीन रिलीजन्स में, क्योंकि हम जब भी कोई आइडिया लेके आते हैं एक चर्च का अनएजुकेटेड मोंक आकर उस आइडिए को जो है ख़त्म कर सकता है क्योंकि चर्च जो है वो ही सेंटर है हमारी अर्थ का और पोप जो है वो सेंटर ऑफ चर्च है। जब जो भी चीज़ वो कहेगा वही चीज़ हमें जो है एक्सेप्ट करनी होगी एज According to religious, he knows Bible more than another people. He is the one who knows every law of the religious. So, हम उसको deny नहीं कर सकते हैं, वो हमारे beliefs हैं, वो beliefs हैं जो हमारे सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आकर यही बात साबित होती है कि हम religious को नीचे करके कहीं भी जो है आगे नहीं बढ़ सकते। इवन के साइंटिस्ट कितना भी पढ़ा लिखा हो, इवन चाहे प्रूव कर दे, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज क्योंकि हमारे रिलीजियस बिलीव्स ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम उनको किसी भी तरीके से नीचे नहीं दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।